हमारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नहीं नहीं, ये बस एक नारा नहीं है, आज के ग्लोबल बिजनेस मार्केट की ये हकीकत है। नमस्कार, और आप सभी को भारत के 78th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। 78 इयर्स ऑफ प्राइड, सक्सेस एंड ग्लोबल डोमिनेंस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सब के लिए बेहद गर्व की बात है, इंडियन बिजनेसेस का ग्लोबल मार्केट पर इम्पैक्ट। ये वीडियो भारत की बिजनेस स्पिरिट थ्रू द ईयर्स के लिए एक ट्रिब्यूट है। तो आइए एक सफर पर चले जहां हम देखते हैं कैसे इंडियन बिजनेसेस दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहे हैं। शुरू करते हैं एक छोटे से किस्से से। 1950s के दौरान इंडिया एक नए रूप में ढल रहा था, नए बिजनेसेस उभर रहे थे। टाटा ग्रुप जो 1868 में शुरू हुआ था, वो नए नए सेक्टर्स में अपने पैर पसार रहा था। तब तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये कंपनी दुनिया भर के बिजनेस वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ देगी। 2023 की हिंदू रिपोर्ट के मुताबिक 91% इंडियन कंपनीज अपने बिजनेस को देश के बाहर अलग अलग कंट्रीज में एक्सपैंड किया। वहां से लेकर आज तक का सफर बहुत प्रेरणादायी है। तो चलिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं। टाटा ग्रुप, टाटा मोटर्स ने 2008 में ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर को एक्वायर किया, और आज ये ब्रांड दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने IT सेक्टर्स में अपनी ऐसी पहचान बनाई है कि आज ये दुनिया की टॉप IT सर्विसेज कंपनीज में से एक है। अब बात करते हैं इंफोसिस की, जो 1981 में शुरू हुई थी। आज इंफोसिस एक ग्लोबल लीडर बन चुकी है IT कंसल्टिंग और सर्विसेज में। ये कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए जानी जाती है और दुनिया के कोने कोने में अपने क्लाइंट्स के साथ काम करती है। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इंफोसिस का। 2020 में इंफोसिस ने एक बड़े माइलस्टोन को पार करते हुए 10 बिलियन एनुअल रेवेन्यू का आंकड़ा छुआ। आज इंफोसिस के पास 50 कंट्रीज में 2.5 लाख से ज्यादा इम्प्लॉइज है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि नए भारत का एक सिंबल है। और कैसे भूल सकते हैं अमूल को, जिसे हर इंडियन अपने घर में यूज करता है। ये कंपनी ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी अपनी मिल्क प्रोडक्ट से प्रचलित है। तो चलिए अब हम अपना तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अमूल। अमूल की सक्सेस स्टोरी भी किसी फेरी टेल से कम नहीं है। 2020 में अमूल ने 52,000 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया। ये ब्रांड ना सिर्फ अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए बल्कि अपने कोऑपरेटिव मॉडल के लिए भी प्रशंसित है। आज के डिजिटल युग में जोमैटो जैसे स्टार्टअप्स भी ग्लोबल मैप पर अपनी जगह बना चुके हैं। 2008 में शुरू हुआ ये स्टार्टअप आज 24 कंट्रीज में ऑपरेट करता है और दुनिया भर में लाख्स ऑफ फूड लवर्स को सर्व करता है। तो चलिए अब हम अपना चौथा एग्जांपल ले लेते हैं, जोमैटो। 2021 में जोमैटो ने इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना IPO लॉन्च किया, और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट बना जब एक इंडियन स्टार्टअप ने इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। एविएशन सेक्टर में भी इंडिया पीछे नहीं है। स्पाइस जेट जो 2005 में शुरू हुई थी, आज न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेश में भी अपने लो कॉस्ट कैरियर मॉडल के लिए मशहूर है। तो चलिए अब हम अपना पांचवा एग्जांपल ले लेते हैं, स्पाइस जेट। 2019 में स्पाइस जेट ने UAE के रास अल खाइमा में अपना हब स्टैब्लिश किया, जो मिडिल ईस्ट के मार्केट में एंट्री का एक बड़ा कदम था। ये सारी कहानियां सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं है, ये भारत के उत्थान और प्रभाव की कहानियां हैं। ये सभी बिजनेसेस ना सिर्फ अपनी ग्रोथ की कहानी लिख रहे हैं बल्कि नए भारत का एक नया चेहरा दुनिया के सामने रख रहे हैं। दोस्तों, आज हम अपनी देश की आजादी को सेलिब्रेट करते हैं, तो चलिए उन सब बिजनेसेस को भी सैल्यूट करते हैं जो अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से भारत का नाम रोशन कर रही है। कॉर्बिज इस जज्बे को सलाम करती है, और साथ ही गर्व के साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि पिछले कुछ सालों में 1 लाख से भी ज्यादा बिजनेसेस को ग्रो करने में अपना साथ दिया है। तो हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन ग्लोबल बिजनेस डोमिनेंस का हम भी एक छोटा सा हिस्सा है। और अगर आप भी अपना स्टार्टअप या बिजनेस को हमारे साथ मिलकर इस न्यू वेव ऑफ बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज ही हमें कमेंट्स के थ्रू या दिए गए नंबर के थ्रू हमें रीच आउट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि बताएं कि आपके हिसाब से कौन सा इंडियन बिजनेस आपके लिए इंस्पिरेशन है। जय हिंद।